धन्यवाद देता हूं, नमस्कार धन्यवाद माननीय श्री रामदास अठावले जी श्री रामदास अठावले जी नॉट प्रेजेंट माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण धन्यवाद उपसभापति जी सर्वप्रथम माननीय उपसभापति जी को राम राम सा प्रधानमंत्री जी को राम राम सा आप सभी सम्मानित सदस्यों के भी राम राम आज दिन हम सबके लिए गौरव का दिन है सर्वप्र सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि इस प्रवृत्ति प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन बोले हुए शब्द से मैं शुरुआत करूंगा। राम आग नहीं ऊर्जा है राम विवाद नहीं समाधान है राम सिर्फ हमारे ही नहीं है राम तो सबके है राम सिर्फ वर्तमान नहीं राम अनंतकाल है यह भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है शताब्दियों के इंतजार के बाद यहाँ पल आया है अब हम रुकेंगे नहीं इन्हीं शब्दों के बीच मैं कुछ शब्द इसमें शामिल करना चाहता हूँ कि राम सर्वव्यापी है और सर्वस्पर्शी भी है खन खन में राम है मन मन में राम है रोम रोम में भी राम है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक राम ही राम है 500 साल संघर्ष के बाद सदियों के बाद भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा जो होना हम इतना महत्व मानते इतिहास मानते हैं कि आज राम मंदिर आकार लिया है इसके लिए तो काफ़ी हजारों संख्या में बलिदान दिया गया इस संघर्ष में और उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मोदी जी का संकल्पता एक भव्य राम मंदिर राम जन्म स्थली पर बनाए ये प्राण प्रतिष्ठा के समय में पंडितों ने जो प्रधानमंत्री तीन दिवस का जो सुझाव दिया गया था अनुष्ठान के लिए मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीन दिन के बदल ग्यारह दिन निष्ठा से उपवास रखते हुए सिर्फ नारियल पानी पीते हुए ज़मीन पर सोते हुए 140 सो करोड़ प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री के नाते पूजा में वो भाग लिए इसलिए हम मानते हैं मोदी इज नॉट ए जस्ट ए ह्यूमन बींग गॉड सेंट मैन बिकॉज उसी से संभव है कोई असंभव को संभव करके दिखाता है चाहे वो 370 सौ धारा हो या 33 महिला का आरक्षण हो या हमारे भव्य राम मंदिर निर्माण का जो संकल्प था इसीलिए नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस राम मंदिर इवन नाउ अयोध्या हैज़ बिकम वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिचुअल सिटीज इन द वर्ल्ड इससे पता चलता है कि आज अयोध्या के अंदर जब पर्यटक शाखा के माध्यम से आंकड़े जो दिया गया ये प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व हर साल दो लाख भक्तों वहाँ राम मंदिर पहुँचते थे अभी उनके आंकड़े साल में दो करोड़ पहुंचने वाला का ये उनका आज आशा है भगवान रामचरण राम जिस तरह से दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो प्रवास किया जैसे हमारे बुजुर्ग नेता केशोरव जी बताए मैं जहाँ से आता हूँ भद्राचलम वो दक्षिण का भी अयोध्या माना जाता है इसलिए भगवान श्री रामचरण कमल गए वहाँ 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 जाकर मोदी जी ने धरती का वंदन किया और भगवान श्री राम का भी पूजन किया राम ने तीन महान समुद्र के संगम पर रामेश्वर लिंग जो स्थापित किया वही भी मोदी जी ने किया था सबसे पहले ये तीर्थ यात्रा के अंदर महाराष्ट्र में काला मंदिर का भगवान का दर्शन किया और अर्चना भी किया उसके बाद आंध्र प्रदेश में वीरभद्र मंदिर जो वीरभद्री स्वामी का जो लेपाक्षी जो माना जाता है वहाँ पे भी मोदी जी ने पूजा पाठ किया उसके बाद केरला में गुरुवायर मंदिर गया त्रिपुरयर और रामस्वामी मंदिर का दर्शन भी किया था इसके बाद तमिलनाडु में रंगनाथा स्वामी का जो वैकुंठ एकादशी के नाते हम जो पवित्र मानते हैं उस मंदिर पे भी त्रुचरापल्ली और इस मंदिर में भगवान विष्णु का लेता हुआ रूप में हम देखते हैं जिन्हें श्री रंगनाथ स्वामी के नाम पर जानता है मोदी जी ने उस रंगनाथ स्वामी जी का दर्शन किया जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों शताब्दियों तक नहीं हजारों वर्षों के लिए होता है इसलिए आज हम इस पवित्र जो कार्यक्रम हुआ था इसके लिए हम इसका माध्यम से आज चर्चा में रूप ले रहे श्री राम पर चर्चा करते समय आदिवासी आधुनिक ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले मां सबरी और निषाद राज केवट जैसे महान भक्तों का याद करना अनिवार्य होता है राम राज्य की कल्पना में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजातियों का सशक्तिकरण अनिवार्य हो जाता है वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में यह सुनिश्चित करने का दिशा में पूरी लगान के काम किया गया हर समुदाय सशक्तिकरण का भावना के साथ किया इन सब काम से आज मोदी जी ने यही चरित्त होते कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामराज सुशासन चार स्तंभों पर कड़ा होता है यह चार स्तंभ या सम्मान से बिना डर के हर कोई सर ऊंचा कर चल सके जहाँ हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो जहाँ कमजोर की सुरक्षा हो और जहाँ धर्म यानी कर्तव्य तरह हो जनता ही राज है सरकार ही जनता की सेवा में इस तरह राम राज और सुशासन स्थापित करने के लिए कटिबद्ध होकर काम कर रही है आज मोदी जी सरकार आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की भी आज संस्कृति की भी बदल दिए नो इट्स ए टाइम फॉर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अंदर गुड गवर्नेंस एंड ए ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल गवर्नेस इसलिए विद रिस्पेक्ट ऑफ कैस्ट क्रीड रिलीजन रिलीजन लैंग्वेज वे ऑल इसी माध्यम से आज प्रधानमंत्री ने सुशासन के लिए जाति पाति राजनीतिक दल धर्म व अन्य सब चीज़ों के ऊपर उठाकर ज्ञान की बात करती है ज्ञान माने जी वाई ए एन जी मीन्स गरीब वाई मीन्स युवा ये मीन्स अन्नदाता और एन मीन्स नारी है तो राम राज जरूर हम लोग ला पाएंगे भगवान राम को आशीर्वाद और सशक्त और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वह संभव हो पाएगा इसलिए हमारे पूर्वजनों ने हमारे दादा परदादा राम के बिना नहीं जी पाते थे इसीलिए राम के और इतना भक्ति प्रदर्शित करते थे कि हमारे हर गांव में राम का मंदिर है हर गांव में हनुमान का मंदिर है इसीलिए उस पीढ़ी ने उन बच्चों के हर बच्चों के लिए राम से नाम जोड़ाया गया था हमारे एक महान दलित नेता बाबू जगजीव राम में राम है काशीराम में राम है रामविलास पासवान में राम है इसी तरह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ में नाम है राम मोहन और लोहिया जो समाजवादी नेता उसी में भी राम है सीताराम केसरी में भी राम है सीताराम येचूरी जो वामपंक्ति उसमें भी नाम है इसलिए बगर राम का कोई इस देश में कोई नाम नहीं है इसलिए मैं कहता अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ राम भारत की आस्था है भारत के आधार है भारत का विचार है विधान है चेतना है चिंतन है प्रतिष्ठा है धन्यवाद राम ने की नित्यान्न भी निरंतर भी है राम व्यापक है विश्व है इसीलिए देश भर ये की नारा गूंज रहा है जो राम को लाए है वो हम पूरा उसको द्वारा लाएंगे थैंक यू धन्यवाद श्री रणदीप सिंह Sürce Valla. Yo